हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। टीम जेसीआई नागपुर मेट्रो ने जेसीआई रायपुर नोबेल द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण संगोष्ठी में भाग लिया। कार्यवाहक सचिव जेसी तेजस्विनी इंगोले, उपाध्यक्ष जेसी प्रशांत निनावे, जेसी अमूल खुबरागड़े, जेसी वज्जय कुमार, आईपी जेसी लोकेश नांदेड़कर, जेसी जयेश इंगोले, संस्थापक जेएफएम जेवी आनंद शर्मा, जोन निदेशक एचजीएफ उषा नांदेड़कर आदि ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नागपुर शहर पुलिस दल के ट्विटर पर किया गया एक ट्वीट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलग अलग लुक के चार फोटो नागपुर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, जिसमें नागरिकों को साइबर अपराधों से बचने के लिए लगातार अपने बैंक के पासवर्ड को बदलते रहने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों यह ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है। साइबर अपराधी इन दिनों विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर, सपने दिखाकर और लोगों में डर पैदा कर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साइबर अपराधों के मामलों में यह देखा गया है कि विशेषकर वरिष्ठ नागरिक बैंक के ट्रांजैक्शन करते समय अज्ञानता के चलते आसानी से साइबर अपराधियों का शिकार हो जाते हैं। साइबर पुलिस समय समय पर साइबर अपराधों से बचने के लिए लोगों में जन जागृति करती है। इन जन जागृति अभियानों में नागरिकों को साइबर अपराधों से बचने के लिए अपने बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों से शेयर न करने और बैंक के पासवर्ड को लगातार बदलते रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कुणाल राउत को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। हालांकि युवा कांग्रेस ने अभी तक औपचारिक रूप से अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस पद पर उनका चुनाव लगभग तय माना जा रहा है। इस चुनाव के लिए युवा नेताओं के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे। सदस्यता अभियान 12 नवंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 के बीच चलाया गया। सदस्य बनते ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, नगर अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष इस तरह चार वोट ऑनलाइन डालने पड़े। सदस्यता अभियान के बाद उम्मीदवारों को मिले मतों की घोषणा की गई। चुनाव नतीजों के मुताबिक कुणाल राउत को सबसे ज्यादा 5,48,267 वोट मिले हैं। राउत ने कई दिग्गज उम्मीदवारों को पछाड़ा है। राउत ने युवाओं का विश्वास जीता है। कुणाल के निकटतम प्रतिद्वंदी शिवराज मोरे को 3,80,367 मत मिले, जबकि शरण बसवराज पाटिल को 2,46,695 मत मिले। दूसरों के सुख को देखकर ईर्ष्या करने से बेहतर है गरीबों के दुख देखकर उन्हें मदद करना। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर सुख एवं खुशी का अनुभव करने में आनंद आता है। ईश्वर ने हमें खुश रहने का जो अवसर दिया है, वह अवसर आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबों को भी मिलना चाहिए। किसी भूखे इंसान को भोजन खिलाने से जो आत्मिक आनंद मिलता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गरीब व जरूरतमंद की बुरे वक्त में की गई सहायता से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है व गरीबों की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इस असह्य के विचार समाजसेवी राजश्री मांडलकर ने व्यक्त किए। वे नागपुर शहर की उन समाजसेवी महिलाओं में से एक है जिन्होंने समाज सेवा को अपने जीवन का मिशन बना लिया है। उनका मानना है कि जिस तरह हम अपने बच्चों की शिक्षा व परवरिश का ध्यान रखते हैं, उसी तरह गरीबों के बच्चों की शिक्षा व परवरिश का ध्यान रखा जाना चाहिए। नागपुर शहर की अनेक ऐसी स्लम बस्तियां हैं जहां बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग व गरीब परिवार के बच्चे होनहार होने के बावजूद भी अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अतः हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनके लिए कुछ करें। विविध उपक्रमों के माध्यम से समाज सेवा के संकल्प के साथ कार्यरत ऐश्वर्या चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से फ्रेंड्स कॉलोनी के एनआईटी गार्डन में निःशुल्क ब्लड ग्लूकोज चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। क्लब की संस्थापक अध्यक्षा फार्मासिस्ट विभा गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में कुल करीब 60 नागरिकों ने इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठाया। इस शिविर में कराटे छात्रों ने पहुंचकर फाउंडेशन पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया और इस उपक्रम की प्रशंसा की। इस शिविर के सफलतार्थ सचिव गोविंद वाधवानी, संयुक्त सचिव ऐश्वर्या, कोषाध्यक्ष श्वेता गुप्ता, सदस्य जेसन नेगी, विवेक नगराले ने विशेष प्रयास किए। इस शिविर को जूम मीटिंग ऐप के माध्यम से मुंबई से फाउंडेशन की उपाध्यक्षा जैनब बेग एवं एग्जीक्यूटिव मेंबर समीर एवं सुहास ने देखा और प्रशंसा की। विवेक नगराले के मार्गदर्शन में यह शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आने वाले नागरिकों को फार्मासिस्ट विभा गुप्ता ने जानकारी दी कि मधुमेह में कौन सी सावधानी बरती जानी चाहिए। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि प्रत्येक 3 माह में अपने ब्लड ग्लूकोज की HbA1c की जाँच अवश्य करवा ले। साथ ही कोविड के संक्रमण से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का संदेश भी दिया।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत 9 मार्च से गाड़ी नंबर 05709 05710 नैनपुर चिरई डोंगरी पैसेंजर ट्रेन मंडला तक 07829 07830 गोंदिया समनापुर नैनपुर तक विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा गाड़ी नंबर 07801 07802 व 07802 07822 गोंदिया कटंगी ट्रेनों को भी तिरोड़ी तक बढ़ा दी गई है। उक्त सभी ट्रेनें 9 मार्च से नियमित रूप से चलेगी। वीएमवी कॉमर्स जेएमटी आर्ट्स और जेजेपी साइंस कॉलेज में हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम डॉक्टर एमजी चांदेकर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। डॉक्टर आरबी पाटिल कार्यक्रम के संयोजक थे। एडवोकेट संजय ठाकर के हस्ते कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। डॉक्टर एसवी मोरिल, डॉक्टर पीएन तातोड़े ने पोस्टर और मॉडल परीक्षक के रूप में काम किया। पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता एडवोकेट नरेंद्र झा ने की। डॉक्टर एस आर चौबे, एमएम घोटकर, डॉक्टर एनबी शिंदे ने कार्यक्रम समिति के संयोजक के रूप में कार्यक्रम सफलता के लिए अथक प्रयास किए। कार्यक्रम का संचालन एस तंबाके ने किया। स्वरा देशपांडे, सिद्धेश्वर भोतमांगे, मयूर व्यास, मंजरी पाटने और वीएमवी कॉलेज के समूह ने पोस्टर और मॉडल निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। डॉक्टर बी टी बोरकर, जी डी वांदिले, डॉक्टर ए के नंदनवार गजभिये, डॉक्टर एन बी काले, जनार्दन टेकाड़े, अपर्णा करमकर, लता पारधी, रितु चाके, डॉक्टर कुंदनलाल, संतोष सिंह, पवन रेवतकर, श्रुति यादव सहित समस्त शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ ने कार्यक्रम की सफलता के लिए परिश्रम लिए। महमूदा शिक्षण व महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया वुमेन्स कॉलेज नागपुर में 111वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम आज की महिला बदल गई है था, कल की अबला नारी आज सबला बन चुकी है। कार्यक्रम का उद्देश्य हर जगह हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए समानता का संदेश छात्रों तक पहुँचाना है। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर स्वाति राउत, डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी तथा डॉक्टर सीमा चिकले थे। कार्यक्रम की शुरुआत मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन से की गई। कार्यक्रम में छात्रों ने भाषण, निबंध, पोस्टर, गायन, नृत्य स्पर्धा द्वारा महिलाओं के भूतकालीन, वर्तमानकालीन तथा भविष्यकालीन छवि को प्रस्तुत किया। डॉक्टर स्वाति राउत ने अपने भाषण में छात्रों को प्रेरित करते हुए बताया कि आज भी नारी को अपने अस्तित्व तथा अस्मिता के लिए प्रतिदिन लड़ना पड़ता है। सोचने वाली बात है कि आज भी हमारे देश में बेटी बचाओ योजना द्वारा सरकारी दबाव डाला जा रहा है। वास्तविक दुनिया में औरत ही प्रगतिशील समाज की शिल्पकार है। श्रीकांत शिवनकर के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल और राकापन नेता तथा सांसद प्रफुल्ल पटेल की उपस्थिति में बड़े उत्साह के साथ किया गया। श्रीकांत शिवनकर ने एक अत्याधुनिक जनसंपर्क कार्यालय बनाया है, जिसका उपयोग क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं और कठिनाइयों को बड़ी ताकत से हल करने के लिए किया जाएगा और इससे पार्टी को फायदा होगा, ऐसा प्रफुल्ल पटेल ने कहा। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए और उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कहा, इस जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से लोगों का काम बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है, लेकिन सभी का काम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इस मौके पर दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि श्रीकांत शिवनकर ने अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं के साथ एक बहुत ही सुंदर जनसंपर्क कार्यालय स्थापित किया है। मुझे यकीन है कि श्रीकांत शिवनकर एवं उनके कार्यालय के लोग नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है, यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा, यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। जितेंद्र दरबे प्रधान टिकट परीक्षक नागपुर मंडल के नेतृत्व में टिकट जांच संवर्ग के इतिहास में पहली बार नागपुर मंडल ने विशेष करोड़पति क्लब में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
जेडी दरभे नागपुर मंडल में टिकट जांच गतिविधियों के अग्रदूत और मशालवाहक रहे हैं। वे नागपुर मंडल मध्य रेल के एकमात्र टिकट चेकिंग कर्मचारी है जिन्होंने बिना टिकट और अनियमित यात्रियों के 13,254 मामलों में से मात्र 225 कार्य दिवसों में उत्कृष्ट औसत 44,567 रुपये राशि की वसूली करके प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। 59 मामले प्रतिदिन के हिसाब से 1,27,410 रुपए की वसूली में भी उनकी अहम भूमिका रही है। उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने इसी अवधि के दौरान पुणे में कूच बिहार ट्रॉफी में अंडर 19 विदर्भ क्रिकेट टीम के प्रबंधक के रूप में भी काम किया है। दरभे ने 2021 में महामारी के दौरान और उसके बाद भी निस्वार्थ सेवा की। भाजपा कामगार आघाड़ी नागपुर महानगर की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राष्ट्रीय वयश्री योजना नागपुर शहर में और बड़े पैमाने पर बड़े प्रभाव से चलाने के लिए निवेदन दिया गया। दरअसल मध्य नागपुर एक स्लम एरिया है। इस क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक तथा अपंग नागरिक बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए इस प्रभाग 12 में विशेष शिविर का आयोजन करने के लिए निवेदन दिया गया। वही गडकरी ने भी यह अच्छा उपक्रम होने की वजह से जल्दी तांडापेट में शिविर का आयोजन करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कामगारों के विषय पर भी चर्चा की गई। जो संगठित कामगार है उन्हें भी राष्ट्रीय योजना का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा सुझाव का निवेदन भी दिया गया। साथ ही भास्कर पराते ने आह्वान किया कि हमारे कार्यालय से मुफ्त वयोश्री योजना का फॉर्म भरा जा रहा है और उन्हें शिविर में ले जाने के लिए मुफ्त बस सेवा भी उपलब्ध कराई गई है, इसलिए वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ ले। इस अवसर पर मुख्य रूप से शरू निमजे, युवती प्रमुख पूर्व नागपुर रजत पराते, प्रवीण शिरपुरकर, रुपेश निमजे, विजय पौनीकर, रमेश बांधेकर, अनिल खालगोने, संजय गोटाफड़े, अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। श्री श्याम रंग रंगीला फाल्गुन मेले के अवसर पर खाटू श्याम प्रभु की निशान ध्वज यात्रा राम मंदिर से बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। निशान ध्वज यात्रा नागपुर स्थित नंदनवन में प्रभु श्याम धाम पहुंची। यात्रा को सफल बनाने में श्याम बाबा महिला मंडल की ओर से संगीता अग्रवाल, रुचिका अग्रवाल, मधु खंडेलवाल, चंचल शर्मा, नीता शर्मा, लता शर्मा, कल्पना खंडेलवाल आदि ने सहयोग किया। हथेली अग्रवाल महिला संस्था द्वारा अग्रसेन भवन रविनगर में आयोजित 5 दिवसीय हनुमान कथा के तृतीय दिवस पर प्रातः गणेश पूजन एवं हनुमंत पूजन पूनम सुभाष अग्रवाल परिवार द्वारा किया गया। 10 से 12 बजे के सत्र में महाराज जी श्री सीताराम जी शास्त्री ने शिव अभिषेक बहुत ही विधि विधान से कराया। महाराज श्री ने अपनी अमृतवाणी में हनुमान चालीसा की हरेक श्लोक का अत्यंत सरलता से अर्थ समझाया। हनुमान जी स्वर्ण वर्ण है क्योंकि उनके मन में राम बसे है। हनुमान जी के एक हाथ में वज्र है, दूसरे हाथ में राम जी की कीर्ति बढ़ाने वाली ध्वजा है। मुख्य अतिथि उर्मिला आरसी अग्रवाल, पुष्पलता अग्रवाल एवं रत्ना जेजानी तथा उनके परिजनों द्वारा पूजन किया गया। शिव अभिषेक के दौरान मुख्य संयोजक रजनी संघी, मिथिलेश अग्रवाल, सहसंयोजिका पुष्पा अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, साधना अग्रवाल, ममता लोहिया ने अपना कार्य सुचारू रूप से संभाला। कथा का समय दोपहर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक रखा गया है। श्रद्धालुओं से प्रवचन का लाभ लेने की अपील की गई है। सदगुरु शहनशाह चांदूराम साहिब की कृपा से मानव स्वास्थ्य के कल्याणार्थ योग संपदा व स्वामी चांदूराम साहिब मुक्तिधाम ट्रस्ट की ओर से योग प्रशिक्षक चंद्रकुमार टेकचंदानी के मार्गदर्शन में जीवन रक्षक योगशाला का शुभारंभ दयानंद पार्क के पास स्थित मुक्तिधाम में हो रहा है, जिसमें पुरुष व महिलाएं सरल योगासन, प्राणायाम व ध्यान के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य का लाभ पा सकेंगे। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता साधना सहकारी बैंक के अध्यक्ष घनश्याम दास कुकरेजा करेंगे। प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर गुरमुख ममतानी, मुक्तिधाम ट्रस्ट के आवतराम चावला, योग संपदा के अध्यक्ष बाबूराव ढुरे, सचिव चंद्रकुमार नरवाड़िया की उपस्थिति होगी। योगशाला में प्रवेश हेतु लखु आहूजा जी के साथ संपर्क किया जा सकता है। आयोजन के सफलतार्थ राजू ज्ञानचंदानी, राजू विधानी, रमेश कंधारी, राजेश खत्री, लीलाधर बांगड़कर, अशोक गांधी, सागर खुशालानी, सुरेश आहूजा, हरीश गिदवानी, महेश चावला, गोपाल किसवानी प्रयास कर रहे हैं। विधायक कृष्णा खोपड़े के जन्मदिन के उपलक्ष में खंडवानी टाउन स्थित लोगों के सेहत को मद्देनजर रखते हुए ग्रीन जिम का पूर्व नगर सेवक धर्मपाल मेश्राम के प्रयासों से लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विक्रम खुराना, खंडवानी टाउन कार्याध्यक्ष व खंडवानी टाउन वाठोड़ा ने विशेष धन्यवाद दिया। साथ ही बच्चों द्वारा केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। विशेष उपस्थिति अजय भाटिया, आशीष तिवारी, वीणा जैन, राजेश आचार्य, शरद जिजानी, धर्मेंद्र खजांची, आशीष मयूर अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, दबीश शेख पुरोहित, कार्तिक भारती, अनिल खंडवानी, कौशिक साकरिया, श्याम आसोपा, विपुल मोगरे, पुष्पक जैन, जयमल रेणु, विक्रम रेणु, अंकित शर्मा आदि मान्यवरों की रही।
विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन MIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हिंगना बुटीबोरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भारतीय उद्योग परिसंघ विदर्भ क्षेत्र कलमेश्वर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विदर्भ चैप्टर एंड लघु उद्योग भारती नागपुर ने हाल ही में VIA ऑडिटोरियम में संयुक्त निदेशक उद्योग नागपुर डिवीजन अशोक धर्माधिकारी को भव्य विदाई दी। इस अवसर पर JDI अशोक धर्माधिकारी को शॉल श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपने विदाई भाषण में धर्माधिकारी ने सभी औद्योगिक बिरादरी और विशेष रूप से सभी एसोसिएशनों को सामाजिक और सामान्य उद्देश्य के लिए हाथ मिलाने और मिलकर काम करने की सलाह दी ताकि यह इस क्षेत्र में और अधिक गौरव हासिल किया जा सके। आर्य विद्या सभा की पूर्व सचिव दीपा राजेश लालवानी की प्रथम स्मृति दिवस पर दयानंद परिवार द्वारा संगीतमय सुमनांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ सुरेंद्र पाल आर्य के पांडित्य में यज्ञ हवन द्वारा हुआ जिसमें गोलोकवासी पुण्यात्मा को शांति एवं विश्व कल्याण की विशेष आहुतियां श्रद्धा भाव से समर्पित की गई। संगीतमय भावांजलि में प्राचार्य तेजेंद्र वेणुगोपाल ने चिट्ठी ना कोई संदेश गीत गाकर कार्यक्रम का प्रारंभ कर उपस्थित सज्जनों को अश्रुपूरत कर दिया। तत्पश्चात विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय की अनेक अध्यापिकाओं ने सुमधुर गीत गाकर सभी को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हेडमास्टर चैरिटेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष जफर अहमद खान द्वारा प्रस्तुत हृदय विदारक गीत ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना था। इस गीत के माध्यम से जफर ने स्वर्गीय दीपा के कार्यों को उनके व्यवहार को स्मृत कर उनके प्रति अपनी आत्मीयता प्रकट की। जीवन का एकमात्र आधार केवल परम सत्ता है, इस भाव को अरुणा टहलियानी ने भगत कंवरराम के भजन द्वारा प्रस्तुत किया। समदृष्टि व प्रेमपूर्ण व्यवहार की धनी ममत्व से ओतप्रोत निश्चल व्यक्तित्व की धनी लालवानी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए राजीव ज्ञानचंदानी ने उन्हें अभूतपूर्व बताया और समस्त दयानंद परिवार की ओर से उनके कार्यों को याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ नागपुर अंतर्गत संलग्नित महाविद्यालय मनोहरराव कांबळी महाविद्यालय दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय नागपुर आर्ट्स एंड कॉमर्स नाइट कॉलेज नागपुर डॉक्टर मधुकरराव वासनिक PWS महाविद्यालय नागपुर एवं VMV कॉलेज नागपुर की ओर से संयुक्त रूप से राजनीति शासन इस विषय पर आभासी व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रमुख उद्घाटक प्रोफेसर डॉक्टर श्यामराव कोरेटी एसोसिएशन डीन RTM नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर उपस्थित थे। उनके करकमलों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर उषा साकुरे मनोहरराव कांबळी महाविद्यालय नागपुर की उपस्थिति में हुआ। शुभेच्छा देने हेतु विभिन्न महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार डॉक्टर जगदीश हटवार डॉक्टर यशवंत पाटिल डॉक्टर MG चांदेकर उपस्थित थे। कार्यक्रम की प्रास्ताविक डॉक्टर मीनाक्षी वासनिक ने की। इस 8 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिया गया। सहायक प्रोफेसर लोमेश बावनकुले केंद्र राज्य संबंध इस विषय पर डॉक्टर सचिन वेरुलकर उच्च न्यायालय की रचना शक्तियाँ और कार्य डॉक्टर विमल राठौड़ विधानसभा की रचना शक्तियाँ और कार्य डॉक्टर सुशांत चिमनकर विधान परिषद की रचना शक्तियाँ और कार्य डॉक्टर शीला खेड़ीकर मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य भूमिका डॉक्टर बबीता थूल राज्यपाल की शक्तियाँ कार्य भूमिका डॉक्टर नीलेश फटिंग पंचायत राज्य 73वीं 74वीं संविधान संशोधन महिला आरक्षण पंचायत राज सहायक प्राध्यापक सचिन चापके सूचना का अधिकार महत्व भूमिका पर अपने विचार रखे। ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,870 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 3,93,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 14 मामलों में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 10,564 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 71,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।